हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखो, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। ओके, तो जो अपने को गिवन हो उसका उल्टा। जैसे अगर हम माने हमारे हम कहें कोई हमें बोले कि लड़के का कॉम्प्लीमेंट बताओ, लड़के का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेंगे हम? लड़की। ओके, उसका अपोजिट बताना अपने को। जो भी गिवन हो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट बताएंगे। ठीक है, तो अपन हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। देखो, कॉम्प्लीमेंट का जो यूज होता है ना वो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट का यूज जो करते हैं हम किस में करते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, तो देखो कॉम्प्लीमेंट होता क्या, जैसे अभी मैंने बताया लड़के का अपोजिट क्या? लड़की। ओके, तो अभी अगर बाइनरी में पूछे वन का अपोजिट क्या होएगा, तो वन का अपोजिट होगा जीरो। ओके, एंड जीरो का अपोजिट क्या होगा? वन, है ना? ये तो होगा वन का अपोजिट जीरो, जीरो का अपोजिट वन। ओके, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव, है ना? एंड नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी अपने को गिवन है उसका क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। वन है तो जीरो कर देंगे, जीरो है तो वन कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमारे पास होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? वनस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, वनस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखो, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। ओके, तो जो अपने को गिवन हो उसका उल्टा। जैसे अगर हम माने हमारे हम कहें कोई हमें बोले कि लड़के का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो लड़के का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेंगे हम? लड़की। ओके, उसका अपोजिट बताना अपने को। जो भी गिवन हो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट बताएंगे। ठीक है, तो अपन हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। देखो, कॉम्प्लीमेंट का जो यूज होता है ना वो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट का यूज जो करते हैं हम किस में करते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, तो देखो कॉम्प्लीमेंट होता क्या, जैसे अभी मैंने बताया लड़के का अपोजिट क्या? लड़की। ओके, तो अभी अगर बाइनरी में पूछे वन का अपोजिट क्या होएगा, तो वन का अपोजिट होगा जीरो। ओके, एंड जीरो का अपोजिट क्या होगा? वन, है ना? ये तो होगा वन का अपोजिट जीरो, जीरो का अपोजिट वन। ओके, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव, है ना? एंड नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी अपने को गिवन है उसका क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। वन है तो जीरो कर देंगे, जीरो है तो वन कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमारे पास होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? वनस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, वनस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो। और देखो, जो कॉम्प्लीमेंट का जो यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट का यूज क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है,
इक्विपमेंट का जो हम यूज करेंगे वो क्यों करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। देखो अभी तक जो हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन सीखा था, हम सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करते थे, एक दूसरे से बोरो लेके चलते थे ना, इधर वाले टर्म से हम क्या लेते थे, एक उधार लेते थे। लेकिन कंप्लीमेंट मेथड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये सब्ट्रैक्ट करने का वो तरीका है जिसके अंदर दूसरे से बोरो नहीं लेना पड़ता। ओके, तो कंप्लीमेंट मेथड क्यों यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी गिवन है उसका उल्टा। कंप्लीमेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, वन इज कंप्लीमेंट एंड टू इज कंप्लीमेंट। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, हम करते हैं स्टार्टिंग अपने वन इज कंप्लीमेंट से। ओके ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल, अभी आ जाएगा समझ में, वन एज कंप्लीमेंट। ओके देखो इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, किसकी हेल्प से करेंगे, वन एज कंप्लीमेंट मेथड की हेल्प से करेंगे बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो बाइनरी नंबर में हम करते तो क्या है सब्ट्रैक्शन, लेकिन बेसिकली क्या करेंगे, टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स। नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देखो कोई भी नंबर दिया रखेगा उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना वन एज कंप्लीमेंट मेथड से, तो हम बेसिकली उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे, तो ये अपना मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो एक कर रहा हूँ पहले, हम देखो पहला स्टार्टिंग करते हैं लार्ज नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना। ओके, लार्ज नंबर हो गया अपना ये, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्मॉल नंबर। ओके, कोई भी लार्ज नंबर का क्या लेंगे, बाइनरी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई स्मॉल नंबर का। ओके, इससे सीखेंगे, ये करेंगे हम वन एस कंप्लीमेंट मेथड से। देखो मैं तरीका बता देता हूँ आपको, सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द वन एस कंप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर। ओके, सब्ट्रैक्शन करने को, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, स्मॉलर नंबर जो था ना ये वाला स्मॉल नंबर, सबसे पहले क्या करेंगे उसका डिटरमाइन करेंगे वन एस कंप्लीमेंट। ओके, सेकंड काम क्या रहेगा, एड दिस टू लार्ज नंबर, जो छोटे वाले का जो वन एस कंप्लीमेंट करेंगे ना उसको किस में ऐड करना है, लार्ज नंबर में, ऊपर वाले में क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। ओके, जब ऐड करेंगे तो अपने क्या आती थी, कैरी आती है। देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोरो लेते हैं, और जब ऐड करते हैं तो क्या आती है, कैरी आती है अपने। तो हम जब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, कैरी आएगी, तो हम उसको कैरी को क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव द कैरी। ओके, कैरी को लिखना नहीं आगे, रिमूव कर देंगे कैरी को, और क्या करेंगे उस कैरी को, देखो वहां से तो रिमूव कर देंगे, एंड एड द कैरी टू द रिजल्ट। जब कैरी को रिमूव कर देंगे तो कैरी को रिमूव करने के बाद में अपने पास जो रिजल्ट बचेगा ना एडिशन का, उस एडिशन के रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे हम। तो उस एडिशन के रिजल्ट का मतलब कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आई ना, तो रिजल्ट की उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो वन बाय वन करके चलते हैं, ये तो था अपना जनरल। अब मैं लेता हूँ कोई क्वेश्चन आपके लिए। ओके, देखो ये बाइनरी नंबर ले लिया मैंने, ले लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, स्मॉल नंबर। देखो ये जो ऊपर लिया है ये कितना है, बड़ा है इससे। ये आप कैसे करोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे ना, जब 2 की पावर 0 2 की पावर करके प्लेस वैल्यू के साथ, तो आपको पता लग जाएगा जो ऊपर वाला जो नंबर लिया है हमने बाइनरी, ये बड़ा है एज कम्पेयर टू इस वाले से, नीचे वाले से। तो देखो एक तो मेथड अपने पास कौन सा है, डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। ओके करो, देखो वन में से जब जीरो सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना आता है, ये हमने सीखा था सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है अपने को बार बार। जब वन में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, वन। जब वन में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, जीरो। वन में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, वन। और वन में से वन जीरो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, जीरो। तो ये अपना आंसर कब आया, डायरेक्ट मेथड से। ओके, अब हम करेंगे कैसे, वन एस
कॉम्प्लीमेंट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड तो अपने को ऑलरेडी आता था, अब क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट मेथड से यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या कहता है, डिटरमाइन द वननेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर। तो देखो स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये 1010। ओके, फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, 1010 को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट चेंज करेंगे। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे चेंज करेंगे, देखो हमने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ द गिवन नंबर। वन का जीरो करना है और जीरो का वन करना है। तो देखो वननेस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करेंगे, इस जीरो को किस में कन्वर्ट करेंगे हम बताओ, जीरो को कर देंगे वन में। ओके, फिर ये वन को करेंगे किस में, इस वन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो में। फिर इस जीरो को किस में कन्वर्ट करेंगे, वन में। और फिर ये जो लास्ट में बचेगा अपने पास क्या, वन, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो। तो ये जो नई टर्म आ गई ना यहाँ से, देखो इससे हमने क्या बना दी, नई टर्म बना दी। ये क्या है, वननेस कॉम्प्लीमेंट है। देखो डिटरमाइन द वननेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर, तो हमने इस स्मॉलर नंबर 1010 को क्या निकाल दिया, वननेस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ओके, हो गया फर्स्ट काम, ठीक है। सेकंड काम क्या है, ऐड दिस टू द लार्ज नंबर, ऐड दिस, इसको ऐड करो, जो वननेस कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना स्मॉल का, उसको ऐड करो किस में, लार्ज नंबर में। लार्ज नंबर कितना था अपना, वन 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 वन, इसमें क्या ऐड करना है, ये कॉम्प्लीमेंट निकाला है जो स्मॉलर वाले का। देखो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, देखो सब्ट्रैक्ट किया था डायरेक्ट, ये रिजल्ट आया था। अब कौन से मेथड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वनस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो देखो कर तो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन तो कहीं पे यूज नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, छोटी वाली का वनस कॉम्प्लीमेंट करके बड़ी वाली में ऐड कर रहे हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपना सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। देखो एडिशन भी अपने को आता है, जो वन में वन ऐड करते हैं कितना आता था, टू ऐड टू आता था। और टू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे, डिवाइड करते जाते थे, कब तक, जब तक कि क्वेशेंट बिकम जीरो, ऐसे तो करते थे। फिर क्या आता था, ये तो होता था सम और ये होता था कैरी। आता है अपने को ये वन वन में ऐड करेंगे कितना आएगा, जीरो सम और वन कैरी, वन और वन में ऐड करेंगे तो जीरो सम और वन कैरी। अब वन 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 अब कितना आ गया, थ्री, थ्री को भी कन्वर्ट करना आता है, वन सम आएगा और वन ही कैरी आएगा, देख लेना। ओके, वन सम आया था और वन ही कैरी आया अपना, है ना, ये रिमाइंडर लिखते जाते थे हमें से। तो वन 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 को ऐड करने कितना आएगा, वन सम और वन ही क्या, कैरी। अब वन और वन फिर से क्या आएगा, वन और वन में ऐड करेंगे तो जीरो सम और वन कैरी। देखो ये क्या आई, कैरी बची ना एक, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैरी को क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। लेकिन वननेस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर अपने पास लैंग्वेज क्या है, देखो रिमूव द कैरी, कैरी को क्या करेंगे, इस कैरी को रिमूव करेंगे एंड एड द कैरी टू द रिजल्ट। जब इस कैरी को रिमूव कर देंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आया, बस इतना ही रिजल्ट आया। देखो ये कैरी हमने क्या नहीं की, यहाँ पे नहीं लिखी ना, इस कैरी को रिमूव करने के बाद में क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है, इस रिजल्ट में ऐड करनी है क्या कैरी, तो प्लस में ये देखो यहीं तो लिखेंगे, क्या लिखा है, LSB में ऐड करना है। तो LSB कौन सी होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होती है। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो जीरो में जब वन ऐड करते हैं कितना आता है, वन एंड जीरो, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। देखो आ गया अपना आंसर, देखो आंसर आ गया, जीरो में वन ऐड किया तो वन, जीरो का एज इट इज, वन का एज इट इज, जीरो को जीरो। तो देखो वननेस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या क्या, पहले स्मॉलर का क्या किया, वननेस कॉम्प्लीमेंट किया, उस स्मॉलर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया बड़े के अंदर, बड़ी वैल्यू के अंदर। ओके, कैरी जो आई उस कैरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उस कैरी को कहाँ पे लिख दिया हमने, इस रिजल्ट में ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। तो देखो वननेस कॉम्प्लीमेंट से जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आया, 0101, डायरेक्ट से किया तो क्या आया था, 0101। ओके, ये था वननेस कॉम्प्लीमेंट मेथड से लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। क्या तरीका है, स्मॉल का क्या करो, वननेस कॉम्प्लीमेंट कर दो और लार्ज में ऐड कर दो, जो कैरी आएगी उसको रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद में जो भी रिजल्ट बचेगा उस रिजल्ट के अंदर वो कैरी ऐड कर दो। ओके, तो ये कौन सा तरीका था अपना, लार्ज में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका निकालेंगे, क्या स्मॉल
माइनस लार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्मॉल में से लार्ज सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, चलो करते हैं। ओके देखो, सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम कोई भी एक डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं। 100, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1010। देखो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि छोटा कौन सा है, ऊपर वाला छोटा है। जब इसको जब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करके जब प्लेस वैल्यू के साथ इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे ना, तो पता लग जाएगा आपको कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ठीक है। देखो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन आपको आता है, 0 में से जब 0 गया तो कितना है 0, जब 0 में से 1 जाएगा तो क्या करेगा, 1 लेगा, क्या यहाँ से बोरो, इसके पास है नहीं तो ये पहले इसको देगा फिर ये इसको देगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास बताओ। देखो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये इसको देगा ना, तो एक बोरो लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1010 का मतलब 2, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पे जब इसके पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 10 इसने इसके पास दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी 0। ओके अगर हाँ देखो, अगर आपसे कह दे कोई 3 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब क्या करते हैं, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, 4 में से जब हमने 3 सब्ट्रैक्ट कितना आया, कितना आता है 1 आता है, तो ऑब्वियसली 3 में से 4 जाएगा तभी 1 आएगा। तो हम बस क्या करते हैं, जो साइन बड़ी वाले टर्म के पास होता है ना वो लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसी की तरह हम इसको भी कर सकते हैं, देखो इजीली आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको छोटे में से बड़ी ऐसे घटाने नहीं आई है आराम से। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने रफ में ये करके देख सकते हैं, ठीक है। 0 में से 0, 1 में से 0 गया तो क्या 1, 0 में से 0, 0, 1 में से 0 तो 0, क्या आया आंसर, ये आया। जब लार्ज में से क्या किया अपने ने, स्मॉल की, लेकिन हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, स्मॉल में से लार्ज का कर रहे हैं आपके बाद, तो हम क्या करके दिखाएंगे, ये तो अपना कैसा हो जाएगा रफ वर्क, ठीक है, पेपर में अपने को ये नहीं करके देखना, तो ये तो हो जाएगा अपना रफ। और जो हम लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को, वो क्या लिखेंगे कि हमने क्या किया है, स्मॉल में से लार्ज सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब क्या आएगा, देखो डिजिट तो यही आनी है, बस चेंज कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे साइन लगेगा नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव साइन किसके साथ है, यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू के साथ थी, ठीक है। ये तो कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब क्या करेंगे, वनस कंप्लीमेंट मेथड से करेंगे, ओके ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, चूज लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर है सबसे पहले तो वो देखो कौन सा है, ठीक है, दोनों में से कि ये लार्ज है, पहले सबसे पहले आपको ये पहचान करने आनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, वनस कंप्लीमेंट किसका, वनस कंप्लीमेंट ऑफ लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर आपने यहाँ से पहले देख लिया कि ये लार्ज नंबर है, उसका हम क्या करेंगे, वनस कंप्लीमेंट करेंगे। वनस कंप्लीमेंट करना आपको आता है, क्या करते हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं एंड 0 को 1 में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या हो गया उसका वनस कंप्लीमेंट, तो हम कर लेंगे आराम से, ठीक है, लार्ज नंबर का वनस कंप्लीमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। लार्ज कंप्लीट कर लिया, फिर क्या करना है, नेक्स्ट चूज स्मॉल नंबर, ये तो कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लार्ज चूज कर लिया तो आपने छोटे वाला तो अपना पता लग जाएगा कौन सा है ना, ठीक है। ये स्टेप भी आप गायब कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या करना है, ऐड वनस कंप्लीमेंट, जो हमने वनस कंप्लीमेंट किया था ना ऑफ लार्ज नंबर, सॉरी ऐड वनस कंप्लीमेंट ऑफ लार्ज नंबर, वनस कंप्लीमेंट ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर का वनस कंप्लीमेंट क्या करना है, ऐड करना है किसमें, इनटू स्मॉलर नंबर, जो अपना स्मॉलर नंबर है उसके अंदर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वनस कंप्लीमेंट किसका, लार्ज नंबर का, ठीक है। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था हमने, छोटे वाले का कंप्लीमेंट करके ऐड किया था, इसमें क्या करना है, बड़े वाले का कंप्लीमेंट करके ऐड करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका कंप्लीमेंट करके वो ऐड कर देंगे जिसमें से करना होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो अब चेंज क्या है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो ऐड करने के बाद अपनी कैरी आ रही थी उसको हम क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, ओके। देखो एक तो मेन बात क्या है, देखो जब छोटे में से जब बड़ी संख्या घटाएंगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेगेटिव का आएगा, है ना। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन कैसा आएगा,
नेगेटिव का आएगा तो हम क्या कहेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो कैरी आएगी ना अब की बार क्या करेंगे, रिमूव कैरी, जो कैरी आएगी उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कैरी, देखो अगर आए लेकिन यहाँ पे कैरी आती ही नहीं, यहाँ पे कैरी आती ही नहीं, जब स्मॉल में से जब लार्ज को जब ऐड करेंगे ना, तो इस वाले केस में अपने पास कोई भी कैरी आएगी ही नहीं, पहली बात तो ठीक है, हटाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मेन चीज़ वो क्या है, आंसर इज नेगेटिव ऑफ द अबव कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सॉरी हमने देखो यहाँ पे गलती कर दी एक, देखो लार्ज नंबर का वनस कॉम्प्लीमेंट करके हम किस में कर देंगे, ऐड कर देंगे किस में, इनटू स्मॉल में, कैरी यहाँ पे आएगी नहीं ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला स्टेप एक बार छोड़ दो, देखो क्या करना है, फाइव में जो रिजल्ट आएगा नाउ, देखो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा नाउ, वन एस कंप्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। देखो सबसे पहले तो लार्ज नंबर का वन एस कंप्लीमेंट करके स्मॉल में ऐड करना है, उसके बाद जो एडिशन का रिजल्ट आएगा उसका भी क्या करना है, वननेस कंप्लीमेंट करना है ठीक है। और जो वननेस कंप्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आएगा वो उसका क्या करना है, नेगेटिव है ना, क्योंकि लार्ज में से जब मैं सॉरी स्मॉल में से जब लार्ज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा साइन आता है, हमेशा नेगेटिव का साइन आता है ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं उठा के ठीक है, 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, नहीं यहाँ पर तो ये देख लो 100 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट, 1000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1010 1010 ओके। तो अपना लार्ज कौन सा है, ये वाला ओके। तो सबसे पहले क्या है, ये हमने ये देखना था लार्ज कौन सा है, दूसरा काम क्या है, वन एस कंप्लीमेंट ऑफ लार्ज नंबर कर दो, इसका क्या कर दो, वन एस कंप्लीमेंट आपको करना आता है, कैसे करते हैं, जीरो को वन में कन्वर्ट कर दो, वन को जीरो में, जीरो को वन में, वन को जीरो में, तो इसका वन एस कंप्लीमेंट क्या आएगा, 0101 ठीक है। ये अपना कौन सा स्टेप हो गया, टू, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहचान करनी लार्ज की, दूसरा स्टेप क्या हो गया, उसको वन एस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करना, तीसरा काम क्या रहेगा, छोटे को चूज करना, तो छोटा ही अपने पास ये बच गया, फोर्थ क्या करना है, एड द वन एस कंप्लीमेंट ऑफ लार्ज नंबर इन टू स्मॉल नंबर, ये जो वन एस कंप्लीमेंट आया है ठीक है, इसको किस में ऐड करना है, स्मॉल में, तो स्मॉल कितना था, ये था, इसमें ऐड करना है ये वाली टर्म, कर दो ऐड ना, ये क्या है, वन एस ऑफ लार्ज, देखो ये जो लिखी है हमने ये टर्म क्या है, वन एस कंप्लीमेंट किसकी, लार्ज की, देखो ऐड कर देंगे किस में, स्मॉल में, ऐड करो जीरो में वन वन जीरो वन वन, ये आ गया। अब क्या लिखा था आगे, देखो अभी कोई कैरी नहीं आई ना, हमने बता दिया था कि कोई भी नहीं आएगी ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद क्या करना है, नाउ वननेस कंप्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, देखो जब स्मॉल में से लार्ज करेंगे तो दो बार वननेस करना पड़ रहा है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अगेन वननेस कंप्लीमेंट, इसका है ना, किसका करना है अब, रिजल्ट का, अब रिजल्ट क्या है अपना पास, 1101, इसका वननेस कंप्लीमेंट क्या रहेगा, 0010, देखो इसका ये क्या है अपने पास, रिजल्ट आया है ना, लार्ज में लार्ज का वन एस कंप्लीमेंट ऐड कर रहा है किसके अंदर, स्मॉल के अंदर ओके। जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से वन एस कंप्लीमेंट करेंगे, 1101 का वन एस कंप्लीमेंट क्या होता है, 1 का 0 1 का 0, 0 का 1 1 का 0, ये आ गया। अब लास्ट क्या था,
जो रिजल्ट आएगा उसका साइन कैसा करेंगे, नेगेटिव कर देंगे बस। देखो आंसर आ गया अपना 0010, ये अपना है आंसर, ये अपना आंसर है वननेस कंप्लीमेंट, कब, जब स्मॉल में से लार्ज सब्ट्रैक्ट करवाया था, स्मॉल में से लार्ज सब्ट्रैक्ट करवाया था। तो देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, वननेस करना है, किसका, वननेस ऑफ लार्ज, ठीक है। दूसरा काम क्या है, एड, एड वननेस ऑफ लार्ज इन स्मॉल, एड वननेस ऑफ लार्ज इन स्मॉल, स्मॉल में क्या करेंगे, वननेस का, वननेस ऐड करेंगे किसका, लार्ज का। तीसरा पॉइंट क्या है अपना, ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा, वन एस ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करेंगे, दोबारा से वन एस करेंगे, एंड लास्ट नेगेटिव साइन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के कैसा साइन लगा देंगे हम, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देखो जब स्मॉल में से लार्ज सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमने देखो दो बार किया, पहले तो लार्ज का वनस किया, फिर दोबारा से रिजल्ट का भी वनस किया। हाँ एक बार रिजल्ट चेक कर लो अपना जो आया है, ये तो आया अपना वनस कंप्लीमेंट मेथड से 0010 नेगेटिव का, और जो रिजल्ट अपना डायरेक्ट आया था वो क्या आया था, 0010, तो हो गया ना। तो देखो डायरेक्ट जब हमने वैसे सब्ट्रैक्ट करते तो हम क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं, लेकिन वनस कंप्लीमेंट मेथड के अंदर हमने कहीं भी बोरो नहीं ली। तो कंप्लीमेंट मेथड यूज किस लिए किया जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्यों जरूरत पड़ी वनस कंप्लीमेंट मेथड की, क्योंकि इस मेथड के अंदर बोरो नहीं लेनी पड़ती है सब्ट्रैक्ट करते टाइम, ओके। तो कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि कंप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, वो कर पड़ती है सब्ट्रैक्शन के लिए, बगैर बोरो लिए सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करेंगे। तो आज करेंगे हम बस वनस कंप्लीमेंट मेथड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 2s कंप्लीमेंट मेथड, ओके। क्वेश्चन कर सकते हो आप, कुछ करने हो तो आपको दे देता हूं मैं। ठीक है, चूज कर लेना अपने पास, अपने आप ये बड़ा है या ये छोटा है, ठीक है, फिर देख लेना कौन सा मेथड लगेगा, पहले बड़ी या छोटी संख्या ढूंढ लेना इनमें से कौन सी है, ओके, ये आपको आना चाहिए। डायरेक्ट से भी करके देखना और वनस कंप्लीमेंट मेथड से भी करके देखना, ठीक है, शाबाश। डायरेक्ट मेथड से भी करना है और वनस कंप्लीमेंट मेथड से भी, ओके। ये क्वेश्चन करके देखने हैं आपको, लार्ज एंड स्मॉल आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में अप्लाई करनी है अपना वनस कंप्लीमेंट मेथड।